अच्छा अब मैं आ, अपने नाजरीन की ए, एक थोड़ी सी एक बैकग्राउंड के साथ कि के पहले हमने चाइनीज़ पैसफ टनल की बात की थी कि उसमें दो चीज़ों का फोकस था कि जो उसमें जो है हम फसलें भी लगा सकते हैं अगर आप बड़ी स्केल पे करें और हम समर की फसलें विंटर में ले सकते हैं माइनस फोर पर भी ये मैंने बात की थी टनल का आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताई थी तो चूंकि हमारे पास इस साल वक्त नहीं था तो मैं किसानों के लिए कि वो आप उस आइडिया को पिक करें हमने वो आइडिया पिक किया और आप पीछे मेरे देखें कि ये टनल जो है इसके आप आपको जो थोड़े से इसके ग्लिप्स जो है वो नज़र आएंगे कि ये क्या ये टेक्नोलॉजी है बड़ी आसानी से हमने एक दीवार जो जिसका कि रुख सूरज की तरफ रहता है बेडमिंटर में वो मंतख की और उसके साथ हमने प्लास्टिक शीट और वो एक उसी पे, चाइनीज पेस्ट्रोल का जो डिज़ाइन है वो रेप्लिकेट किया हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमने तकरीबन तकरीबन अभी को पंद्रह बीस हज़ार पौधा जो है इससे भी बल्कि ज़्यादा हमने ये ब्रोकली अभी जो लेट ब्रोकली है वो भी आपको नज़र आ रही है इसी टनल में वो तैयार हुई थी बड़ी और अब ये लेट हमें हमने दो फ़सलें पहले भी ली हैं एक तीसरी फसल भी हम ले रहे हैं जो हमने इसी में ग्रो की और उसके अलावा हम जो आइसबर्ग हैं वो भी हम इस वक्त लास्ट जो विंटर की एक थर्ड क्रॉप है जो समर में हम हमें मिलेगी जो कि हमें प्राइस भी अच्छी देगी वो भी यहाँ लगी हुई है उसके अलावा इस टनल में हमने ख़ास तौर पर आप आप देख रहे होंगे इसमें करेले के पौधे भी इसी टनल में तैयार हुए इस तरह से हमारा खीरे के पौधे भी इसी में तैयार हुए आ, हमारे इसके जो खरबूज और तरबूज के पौधे भी टोमेटोज़ के पौधे भी तो जितनी समर की सब्जियां थी हमने ये दिसंबर में जनवरी में ये लगा दी थी बीज इसके अंदर चाइनीज़ पैसो टनल में अब वो सारी बाहर लग चुकी हैं और हमें वो जो आमतौर तौर पर किसान बीज लगाते हैं बाहर पूरे खेत में और उसके ऊपर फिर वो डालते हैं शॉप पर और वो बड़ा लब्जोरियस जॉब है और बड़ा कॉस्टली है ये जो चाइनीज टनल इसने हमें उस 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 जो एक आप कह लें कि खर्चे से भी बचाया है और हमें पौधे भी जो है बड़े शानदार सेहतमंद पौधे जो हमें मिल गए हैं और वो पौधे आप बाहर फील्ड में बगैर किसी कवर के बग़ैर किसी जो है एक लो टनल या हाई टनल या वॉकिंग टनल के हमने वो लगाए हैं और वो बेहतरीन चल रहे हैं जैसे मौसम खुला है तो हमने ये बाहर लगाए थे तो ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस जो चीज़ हमने आपको थ्योरेटिकली बताई थी कि आप ये टनल इस्तेमाल करें आज हमने इस्तेमाल करके उसके फवाद आपको बता दिए और हम सबसे पहले इस इलाके में जो सब्जियां हमारे यहाँ आएंगी वैसे हमारे यहाँ दूसरे इलाकों से भी ऑफ सीजन सब्जियाँ आती हैं लेकिन हमारी अपनी सब्जियाँ फ्रेश इस फार्म से समर की इन अगले पंद्रह दिन में हारवेस्ट कर रहे होंगे तो ये मॉडल की हमने प्रैक्टिकल जो साइड है सिर्फ ये नहीं कि जी हम आपको बताते हैं कि जी आप क्या करें या दुनिया में क्या हो रहा है हम हाँ वही जो दुनिया में हो रहा है वो नॉलेज यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करके उसके बाद उसके रिज़ल्ट भी आपसे इन जब ये फ्रूटिंग के ये सारे पौधे आएंगे तो फिर हम आपसे शेयर करेंगे कि जी ये जो चीज़ें हमने जो लगाई थी इस चैनल के तहत और किस महीने में किस टाइम पे ये फ़सल आनी शुरू हुई और मार्केट में उसका क्या रेट से और क्या हमने क्या प्रॉफिटेबिलिटी हासिल की तो ये दूसरा एक और इसका फ़ायदा है कि हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हमारी जो ज़मीन फ़ारग होती है जो कोना फारग होता है जो फसल फारग होती है हम उस फारग उस फार, फसल को वहाँ से उसी वक्त ज़मीन तैयार करते हैं और उसको उसकी नई उसके ऊपर जो बनाते हैं उसके बेड्स और उसके बाद साथ ही साथ ये फसल साथ ही जो हमारे पीछे चाइनीज़ टनल में जो तैयार हुई होती है वो साथ ही साथ वो फसल वहाँ लग जाती है तो हम एक अपनी जो इंटेंसिटी है और आप देख रहे हैं यहाँ कितनी ये यह फ़र्टाइल ज़मीन है इसमें मैंने और कितना डला हुआ है ये बिल्कुल नई लैंड है पहली दफ़ा ये निकाली है हमने इससे पहले ये कभी नहीं यूज़ हुई तो इस ज़मीन में आप देखें ये चीज़ें कितनी कितनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है तो इसको इसमें चाइनीज स्पेसिफिक टनल ऑफ सीजन आ, जो इसकी नर्सरीज़ को तैयार करना फिर उसको फील्ड में आ, जो है सीजन सीजनलिटी जो उसकी अर्ली सीजनलिटी में लगाना और फिर उसके साथ जो मनोरंक की इंटीग्रेशन है कि जी आप साफ सुथरी और नेचुरल सब्ज़ी लेने केमिकल फ्री सब्जी लेने के लिए ये एक भरपूर मॉडल आपको नज़र आ रहा है आ, हम इस सिलसिले में अगर कोई आप भी ये चीज़ें करना चाहते हैं और आप इंटेंसिफाई करना चाहते हैं अपने फार्म को और इससे वो फ़ायदे हासिल लेना चाहते हैं जो हम इस फार्म पे ले रहे हैं हम इसके लिए आपको वो एडवाइजरी और सर्विस देने के लिए तैयार हैं